और देखिए गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अहमदाबाद में 60,000 नकली रेमडेसिविर मिली हैं। 60,000 नकली इंजेक्शन, नकली रेमडेसिविर की 60,000 शीशियां और 30,000 स्टीकर बरामद किए गए हैं। नकली रेमडेसिविर बनाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 90 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो अभी तक का सबसे बड़ा यहां पर पुलिस का ये अभियान, जिसमें 60,000 नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले हैं, 60,000 और 30,000 स्टीकर मिले हैं, 90 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 7 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर खबरें आ रही हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमने भी अपने कई शोज में आपको बताया है कि नकली रेमडेसिविर से आप सावधान रहिएगा। कुछ हम आपको उसके यहाँ पर सावधानियां बताते हैं, तरीके बताते हैं कि कैसे आप नकली और असली में पहचान कर सकें। लेकिन देखिए कैसे लोग यहाँ इस संकट काल में भी लोगों को लूटने में, लोगों की मुसीबत का फायदा उठाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। नकली रेमडेसिविर की 60,000 शीशियां, 30,000 स्टीकर अहमदाबाद से पकड़ी गई हैं और 90 लाख रुपए इन 7 आरोपियों के पास से मिले हैं। यूनुस गाजी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूनुस, क्या जानकारी है इस बारे में? गौरव, पिछले कुछ दिनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी। इस बिना पर डीजीपी ने सूचनाएं दी थी पूरे स्टेट पुलिस को। अलग अलग जगहों से नकली रेमडेसिविर और कालाबाजारी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया था। बॉर्डर में जो गिरफ्तार हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन के राजकोट पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अलग अलग जगहों पर रेड किया था और उसमें इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर 60,000 के करीब जो बोतलें थी वो बरामद की है और 90 लाख रुपए के करीब जो पैसे हैं वो भी बरामद किए हैं। इन सभी की पूछताछ हो रही है। सूरत का ओलपाड़ इलाका है, वहाँ एक फैक्ट्री बना के वहाँ इंजेक्शन का पैकेजिंग हो रहा था और अलग अलग जगहों पर ये लोग भेजते थे। इन सभी की अभी पूछताछ चल रही है। और ये नकली है? हाँ, नकली है। जो ग्लूकोज और कुछ और मटेरियल जो होता था उसकी मिलावट करके लोग इंजेक्शन बनाते थे। बहुत शुक्रिया यूनुस, बताइए नकली रेमडेसिविर लोगों को दी जा रही है और वो भी किस हजारों रुपए में, और वो पेशेंट का तीमारदार क्या करे, उसको तो बस चाहिए कि इंजेक्शन दे ताकि अपने पेशेंट को लगवा सके, और यहाँ लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं इस मजबूरी का, देखिए। बहुत शुक्रिया आपका यूनुस, हम आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन नकली रेमडेसिविर बनाने वाले 7 लोगों को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया है और 60,000 नकली रेमडेसिविर की डोजेस इंजेक्शन बरामद हुए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।